पंचायत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। पंचायतों के डिजिटलकरण से एक तरफ जहां सेवाओं की डिलीवरी में सुधार व पारदर्शिता आई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान हुआ है। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो यहां ई पंचायत लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज इंटरनेट के सहयोग से पंचायत कार्यालयों में आधुनिकता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता देखने को मिल रही है। ई पंचायत की सहायता से आज पंचायत अपने बुनियादी कार्य जैसे योजना, निगरानी, कार्यान्वयन, बजट, लेखा, सामाजिक लेखा, परीक्षा, सड़कों की साफ सफाई आदि को बड़ी आसानी से कर पा रही है। इसके अलावा नागरिकों को भी कई तरह की सेवाएं आसानी से मिल रही हैं। आज जन्म प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र, सब कुछ बड़ी आसानी से बन जाता है। इन मामूली कार्यों के लिए नागरिकों को लंबी लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों में इंटरनेट का महत्व। इंटरनेट संचार एक अमूल्य उपकरण है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट की उपलब्धता ने आज के युग में न सिर्फ संचार बल्कि हमारे जीवन को भी काफी आसान और सुविधाजनक बना दिया है। नदी नालों, पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों और बड़े पैमाने पर बर्फीली चट्टानों के कारण जम्मू कश्मीर में ग्राम स्तर पर संचार करना या वहां सेवाएं प्रदान करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सभी भौगोलिक चुनौतियों से निपटने में इंटरनेट सहायक है। इंटरनेट ने आज जम्मू कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन ग्रामीणों को भी बेहतर रोजगार और शिक्षा के नए विकल्प दिए हैं जो कल एक आधुनिक दुनिया से कटे दिखाई देते थे। इंटरनेट के माध्यम से समय, ऊर्जा एवं धन की बचत हो रही है। डिजिटल संचार के माध्यम से सरकार एक तरफ जहां किसी भी तरह की सेवा, सहायता और सूचना को गांवों तक पहुंचा सकती है, तो वहीं ग्रामीण भी घर बैठे आवेदन, अद्यतन, शुल्क व नामांकन आदि का लाभ उठा सकते हैं। ई पंचायत सेवाओं के उद्देश्य। पंचायत और आम जनता के बीच बेहतर संवाद को बढ़ावा देना, नागरिकों को शिकायत, सुझाव या अपनी मांग को रखने का अधिकार देना, शासन और प्रशासन के प्रति लोगों को सचेत करना, पंचायत के कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करना, प्रभावी निर्णय लेना, आम जनता को अच्छी और बेहतर सेवाएं प्रदान करना, इंटरनेट के सहयोग से पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को समाप्त करना, कर्मचारियों और ग्रामीणों के मध्य सामंजस्य बैठाना, इंटरनेट द्वारा शासन दक्षता में सुधार करना, आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर करना। ई पंचायत में सहभागिता को चार चरणों में बांट सकते हैं, जैसे पा से पा, वो कार्य जो पंचायत से पंचायत के मध्य होते हैं, पा से ना, वो कार्य जिसका सरोकार पंचायत और नागरिकों के मध्य है, पा से वा, वो कार्य जो पंचायत और व्यापार के मध्य है, पा से का, वो सभी कार्य जिसका सरोकार पंचायत और उसके कर्मचारियों के मध्य है। ई पंचायत के अंतर्गत स्थानीय लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ई पंचायत का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि पंचायत स्तर पर स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है। इसके तहत क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण कार्य, हितग्राही की जानकारी, मनरेगा में किए जाने वाले कामों की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा किस व्यक्ति को पंचायत में संचालित योजना का कितना लाभ मिला है, इसकी जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। ई पंचायत लेकर आई सरकार, इसलिए हर सपना हो रहा साकार।